नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सबका हमारे इस YouTube चैनल एस्ट्रो सीपी त्रिपाठी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज हम उपस्थित हुए हैं मृत्यु योग से संबंधित प्रश्न को लेकर के। मृत्यु योग जो शुभ कार्यों में वर्जित है, ध्यान देने वाली बात यह है कि हर वार को एक तिथि सुनिश्चित की गई है, जिस तिथि में अगर वो दिन पड़े तो उस दिन को कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। मित्रों, इसकी जानकारी हम आपको दें इससे पूर्व, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है उसे टच करें और बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल कर लें। मित्रों, मृत्यु योग एक श्लोक शीघ्र बोध एक पुस्तक है, जो धर्मशास्त्र के पुस्तक हैं, ज्योतिष के पुस्तक हैं, उसमें बड़े सुंदर श्लोक दिए हैं मृत्यु योग पर। नंदा सूर्ये च भौमे च भद्रा भार्गव चंद्रयोः बुधे जया गुरौ रिक्ता शनौ पूर्णां च मृत्युदा। मतलब मृत्यु योग जो शुभ कार्यों में वर्जित है, वार और तिथि जाने कौन से वार को कौन से तिथि हो तो उसे मृत्यु योग के नाम से हम जानते हैं, और उस वार को अगर ये तिथि पड़े तो कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। रविवार के दिन अगर प्रतिपदा षष्ठी और एकादशी तिथि पड़े तो उसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। सोमवार को द्वितीया सप्तमी और द्वादशी तिथि पड़े तो कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इन तिथियों में शुभ कार्य शास्त्रों ने निषेध किए हैं। मंगलवार को प्रतिपदा षष्ठी और एकादशी पड़े तो इसमें कभी भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। बुधवार को तृतीया अष्टमी और त्रयोदशी पड़े तो इसमें भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। गुरुवार को चतुर्थी नवमी और चतुर्दशी पड़े तो कभी भी शुभ कार्य भूलकर भी नहीं करना चाहिए। शुक्रवार को द्वितीया सप्तमी द्वादशी तिथि अगर आ जाए तो कभी भी भूलकर भी इस तिथि को किसी भी शुभ कार्य के लिए मुहूर्त के रूप में किसी भी यजमान को नहीं देना चाहिए। शनिवार के दिन बताता है कि पंचमी दशमी और पूर्णिमा अगर ये तिथि पड़े तो कभी भी शुभ कार्य के लिए ये उपयुक्त नहीं है। इन तिथियों में कभी भी किसी भी यजमान को ये मुहूर्त नहीं देना चाहिए, क्योंकि मृत्यु योग तिथि के नाम से, वार के नाम से ये जाने जाते हैं जो शुभ कार्यों में वर्जित है। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र जो कि हमें समय समय पर रास्ता दिखाता है, यही इसीलिए इसको चक्षु कहा गया है, क्योंकि प्रत्यक्ष शास्त्र है ये हमें मार्गदर्शन कराता है, हमें ये होने वाली पूर्व घटनाओं को दिखाता है। इसलिए इन तिथियों को आप लोग ज़रूर निषेध करेंगे और ध्यान देकर के ही किसी को मुहूर्त देंगे। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं।